प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब अंक 7 की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 7, 16 या 25 हो तो आपके भाग्य के साथ संबंध इसका क्या है? बिल्कुल, 7 जैसे 4 नंबर राहु का, 7 नंबर केतु का, ये भी अंक बड़े सारे उतार चढ़ाव जीवन में दिखाता है। हालांकि 7 अंक वालों को मैं मानता हूं कि अपने काम के बड़े मास्टर होते हैं, जो काम जानते हैं वो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें दूसरों का काम जीवन में बहुत करना पड़ता है, दूसरों की जिम्मेदारियां बहुत उठानी पड़ती हैं 7 वालों को। ये इनके जीवन का प्रोमिनेंट फीचर है। 7 का जो अंक है ये आध्यात्म का अंक है, ज्ञान का अंक है, धर्म का और उतार चढ़ाव का अंक है। ये अंक केतु का अंक है, कहीं कहीं पर इसको नकारात्मक शुक्र भी कहते हैं। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इस अंक वालों के पास इंट्यूशन होता है, आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जानते हैं और लिखने की क्षमता भी होती है, अच्छा लिखते हैं, अच्छा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये सनकी बहुत होते हैं। एक बार कोई बात दिमाग में आ गई, सनक सवार हो गई, तो सनक में अपना नुकसान कर बैठते हैं। इनके लिए 4, 5 और 8 के अंक शुभ होते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि 8 का अंक सबके लिए शुभ होता है, 7 अंक वालों को 8 नंबर बहुत सूट करता है। 4, 5 और 8 का अंक इनके साथ रहता है, इन्हें 1 नंबर से बचना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर वालों के साथ इनका क्लेश ज्यादा होता है। सफलता के लिए सफेद कागज पर 77 77 ये लिख करके अपने पास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट।